नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का मेरे चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ माँ बम्लेश्वरी देवी की यात्रा, जो कि डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में है। यह मंदिर 22,000 वर्ष पुराना है, 16,000 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है, भव्य, बहुत ही भव्य आकर्षण है इसका। यह मंदिर रायपुर से बाय रोड जो है 3 घंटे की दूरी पर है, बाय ट्रेन जो है 2 घंटे की दूरी पर है। तो चलिए अब यात्रा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है माता के दर्शन के लिए आपको 1,000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी माँ बड़ी बम्लेश्वरी माता की मंदिर के लिए। और ये सीढ़ियाँ चलते वक्त बहुत ही सुंदर नज़ारा था। यहाँ एक तालाब भी है जिसमें बोटिंग होती है, बट जिस दिन मैं गई थी उस दिन बोटिंग नहीं हो रही थी और उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अच्छा लग रहा था देख करके बोटिंग का, बट हमें वो चीज़ नहीं मिला तो थोड़ा सा अपसेट भी हो गई थी। तो चढ़ते हुए जय माता दी का जयकारा लगाते हुए माँ के दर्शन को चल पड़े थे। तो ये देखिए हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ये देखिए जो डोंगरगढ़ गांव है उसका ये नज़ारा है। बहुत छोटा सा गाँव है बट बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ पहाड़ है, हरियाली है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है उस गाँव का। और ये जो है मंदिर का जो परिसर था वो बहुत ही साफ सुथरा था, बहुत ही अच्छी तरीके से सफाई करके रखी गई थी। और यहाँ पहाड़ों पे चारों तरफ हरियाली थी। मैं जिस दिन गई थी उस दिन काफ़ी कम भीड़ थी, तो मुझे अच्छा लगा। काफ़ी आराम से शांति से माँ के दर्शन किए मैंने, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जब आधी दूर हम पहुँचे थे तो वहाँ पे एक हमें मंदिर मिला, वो भी पहाड़ के बीच में ही है। ये भोलेनाथ का मंदिर था। और जब हमने इस मंदिर के बारे में पूछा तो जो वहाँ पे पंडित जी बैठे थे उन्होंने बताया कि ये भू शंकर है, ये खुद से धरती से बाहर आए हैं, इन्हें किसी ने स्थापित नहीं किया है। तो ये देखिए भोलेनाथ का जो मंदिर है। और फिर और आगे बढ़ने के बाद माँ के मंदिर के नज़दीक पहुँचने के बाद ये जो है चट्टानों के बारे में बता रहे थे। तो ये चट्टान जो है काफ़ी सालों से इस पहाड़ के बीच टंगा हुआ है, लटका हुआ है, और इसे देख करके आगे हम लोग बढ़ रहे थे। ये चीज़ें प्राकृतिक थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब चीज़ें जो पहाड़ों की होती हैं, पेड़ पौधों की होती हैं, ये सिर्फ जहाँ पे हमारे देवी देवता जहाँ विराजमान है पहाड़ियों पर वहीं पे देखने को मिलती है, अदरवाइज़ और कहीं नहीं देखने को मिलती। और फिर ये देखिए हम लोग मंदिर के बहुत पास पहुंच गए थे, वहाँ बंदर भी बहुत सारे थे, इतने सारे थे कि मैं बता नहीं सकती, बहुत सारे बंदर थे वहाँ भी। और ये देखिए ऊपर से मंदिर के पास से नज़ारा। यह मंदिर जो है पूरे के पूरे पहाड़ पर स्थित है, वो आगे आपको तस्वीर दिखेगी। कहीं से भी ये समतल ज़मीन पर नहीं है, ये पूरे के पूरे पहाड़ पर स्थित है। और ये माँ की कृपा ही है कि कितने सालों से ऐसे ही है, बिना किसी दिक्कत के ऐसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। माँ बहुत ही ज़्यादा मनोकामना पूर्ति हैं। माँ के पास जो मनोकामना लोग लेकर के आते हैं वो माँ ज़रूर पूरा करती हैं। तो मैं यहाँ पे आई थी छत्तीसगढ़, तो सोची यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं आई यहाँ पे भजन हो रहा था। तो ये देखिए ये है वहाँ मंदिर का महाप्रसाद, महाभोग है ये, बेसन के लड्डू जो ये प्रसाद के रूप में वहाँ मिलता है। ये देखिए ये मंदिर जो है पूरा पत्थर के ऊपर टंगा हुआ है, लटका हुआ है। यह मंदिर खुलने का समय है 4:00 PM, दोपहर में 1 से 2 के बीच में बंद होती है, और फिर रात को दोपहर के 2 बजे रात से 10 बजे तक ये खुली रहती है। और नवरात्रि में 24 घंटे तक ये मंदिर खुली रहती है। और यहाँ पर जो मंदिर है वो पूरे के पूरे पत्थर पे है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये ऊपर से ली गई तस्वीर है, पूरी 16,000 ऊँचाई के ऊपर से है।
और फिर हम लोग वहाँ पे दर्शन करके वहाँ से बाहर आ गए थे। वहाँ से मंदिर के बाहर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और भी अच्छा उसका परिसर बनाया जा रहा था। यहाँ पे आप सीढ़ियों से भी आ सकते हैं और रोपवे के थ्रू भी आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सीढ़ियों के थ्रू आए थे हम लोग। यहाँ पे बस 1000 ही सीढ़ियाँ हैं तो चढ़ने में अच्छा भी लगा था। और वहाँ पे बहुत लोग चुनरी बांध रहे थे, वहाँ पे जो हम लोग प्रसाद लेते हैं उसमें चुन्नी रहती है तो वहाँ पे लोग मन्नत के तौर पे बांधते हैं। तो हमने भी सोचा कि अब यहाँ आए हैं तो भगवान से मन्नत क्या मांगे, माँ तो सब कुछ देती हैं, खुद वो खुद सब कुछ दे देती हैं। तो हमने बस हम चुनरी बांधते वक्त बस यही बोल रहे थे, माँ फिर से आने का मौका देना, और हमने कुछ नहीं मांगा। और फिर हम लोग प्रणाम किया, फिर आगे नीचे उतरने के लिए चल पड़े। यहाँ से भी हमने पूरा व्यू लिया, तो ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर व्यू लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस माँ है और कोई नहीं है, बहुत सुंदर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस वहीं रहें, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना वापस आने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था, हर तरफ पहाड़ थे जिसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा भी आ रहा था। व्यू भी ऐसा था कि आप फ़ोटो लिए बिना रह ना सके। तो हमने भी बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करा, ये देखिए। और वापस से फिर हम लोग नीचे उतरने के लिए चल पड़े थे। और उसके बाद फिर हमने वहाँ से नीचे उतरने के बाद आधे किलोमीटर की दूरी पर माँ का छोटी बहन माँ छोटी बमलेश्वरी की मंदिर है, तो हमने वहाँ पे दर्शन किए। वहाँ का जो मंदिर है वो राजस्थान के संगमरमर से बने हुए मंदिर हैं, जो कि बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और एक बार माता के मंदिर ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, मैं तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।